ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿਊਟ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਊਟ ਕੁੜੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਫੈਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਐਂਡ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿੱਕੀਤਾ। ਅਭੀ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਅਬ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀਤਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬੜੀ ਕਿਊਟ ਹੋ ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਆਪਕੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਐਸੀ ਚਮਕਤੀ ਹੈ। स्किन केयर भी करती हूँ और जीन्स भी कह सकते हैं। जीन्स मतलब मम्मा मम्मा पापा, हाँ सब। तो आंखें किस पे हैं? किसी पे भी नहीं है। किसी की नहीं है घर में ऐसी आंखें। मेरी आंखें मेरे घर पे किसी की नहीं, लेकिन मेरी क्यों नहीं ऐसी हुई यार, शिट। तो अच्छा, मतलब मम्मा पे हो आप, है ना? मम्मा दोनों पे। मैं मतलब ऐसे बाय फेस अगर मेरे पापा को और मैं साथ में खड़ी होंगी तो आपको लगेगा कि हाँ मैं इन्हीं की बेटी हूँ, बिल्कुल डिट्टो सेम शक्ल। जैसे आपका बैकग्राउंड मैंने सुना है कि पापा आपके सिविल से ना सर्विस वगैरह से आते हैं, तो आप ये गानों वाली साइड कहाँ से आ गए? पता नहीं यार, जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे ही जब भी थोड़ा बहुत गाती थी तो सबको लगता था कि मतलब बड़ा अच्छा गाती है, तो फिर सबने मुझे बड़ा पुश किया कि आप सीखो म्यूज़िक। तो मैंने घर पे बोला तो पापा बोलते कि चलो ठीक है आपको क्लासिकली ट्रेन करने तो के। वो आईपीएस ऑफिसर? नहीं नहीं नहीं, वो एसपी रिटायर हुए हैं। अच्छा, एसपी हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो फिर बस मैंने वहाँ से ही बचपन में थोड़े टाइम ही सीखा, मैं ज़्यादा देर नहीं सीख पाई, 5 साल मैंने सीखा और फिर उसके बाद पढ़ाई की वजह से छूट गया। बट म्यूज़िक कभी भी नहीं छूटा था, मैं अपना ऐसे खुद ही गाना वाना करती रहती थी और बस। तो अभी मुझे ये बताओ, जैसे पापा पढ़ने के लिए बोलते हैं पढ़ो? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब में है और उनका भी ये कि आप ये तो करो साइड बाय साइड बट यू हैव टू डू समथिंग इन। आपका वैसे क्या एम है इसके अलावा? मैं अभी बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि मेरी जॉब भी लग जाए और इसमें भी मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ साइड बाय साइड। तो निकिता का पहला गाना आया, तो निकिता को गाना गवा लिया पहले क्यों? जी करें शुरू फिर। हाँ जी, यही वाला गाना गाऊँ? हाँ यही वाला, जो सबसे पहले वही सुनेंगे जो आया हुआ है। खुश हुई तेनु पाके मैं, तू जिंदगी दे विच आया, मैनू पता तेरे लिए बनी हमें, तू मेरे लिए बनाया। खुश हुई तेनु पाके मैं, तू जिंदगी दे विच आया, मैनू पता तेरे लिए बनी हमें, तू मेरे लिए बनाया। खुश होवे मेरिया अखा, तेनु गले नाल ला के रखा, रोज सामने बिठा के तक्का सोनिया। ओ आही मेरा सारिया तो सोना सोनिया, मेरे माही जे होर ना कोई होना सोनिया। माही मेरा सारिया तो सोना सोनिया, मेरे माही जे होर ना कोई होना सोनिया। यार इतनी प्यारी आवाज़ सी, मेरा मन ही नहीं करता कि इन्हें मैं बोला बस कर, मेरा मन ही कि और गा है ना। थैंक यू। अच्छा, अब इसके बाद कोई गाना आ रहा है नया? अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ अभी प्लान नहीं है, बट हाँ आगे ज़रूर मैं अब इस चीज़ में करूँगी। घर वालों को भी है कि हाँ आप करो इस चीज़ में, बट वही पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। ट्राई किया इंडियन आइडल में जाऊँ या कहीं जाऊँ ऐसे? डीआईडी में तो नहीं, डीआईडी में तो डांस वाले जाते हैं, मैं तो भूलेगी सारे गाँवों में जाऊँ। नहीं, जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे मेरे को बड़ा होता था कि जो भी स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह, बट जैसे जैसे बड़े हुए तो इन चीज़ों में भी एक जो रियल फेस दिखता है ना, कि हाँ यहाँ पे भी मतलब सब कुछ रियलिटी नहीं होती जो हमें दिखता है स्क्रीन पे, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मेरा यहाँ से डिटैच होने लगा कि नहीं स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह इनमें नहीं जाना है, खुद ही जो भी करना है इंडिविजुअली ही करेंगे। तो यही रहा स्टार्टिंग। हाँ कोई बात नहीं, आजकल देखो ना यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, अपने शुरू करो, और तुम सब बच्चे इतने टैलेंटेड हो, तो कोई म्यूजिक दे रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई लिरिक्स दे रहे, तो कितनी अच्छी बात है ना। जी, तो इसमें जो अपने जो नया गाना है इसमें लिरिक्स किसने लिखे हुए हैं? तो लिरिक्स शिवराज ने लिखे हैं, कंपोज भी उसी ने ही किया है, तो काफ़ी अच्छा गाना लिखा है। जब उसने मुझे गाना दिया था तो मैंने उसी टाइम बोला था कि हाँ यार ये गाना मेरी आवाज़ में मुझे लगेगा कि सही लगेगा, तो बस उनको भी पसंद आया, फिर हमने इस गाने को ही आगे किया। तो एक और गाना सुनेंगे आपसे कोई अच्छा वाला। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा, हो तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागी बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे की धारी बहती है नजरें बचा के, हो बदरंग में सत
तिरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। एंड तुसी देखिए निकिता दी आवाज़ कितनी प्यारी है, इनू फॉलो करो, अही कैप्शन च इन्हों का सब पा रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक जो भी इन्हों की आइडियाज़ पा रहे हैं, इन्हों फॉलो करो, सपोर्ट करो ताकि ये अगे बदन एंड और इसी तरह अच्छे अच्छे गाने गाते रहन। सानू तो ज़्यादा ज़्यादा सत श्री अकाल।